So now first candidates, all your first. Are you ready? All my first? Yes. Okay, let me see what I can answer. मुझे गर्मी आने लगी है, एकदम होने लगी है अभी. Your first job. My first job. My first job was, I think I was, oh God. मेरा पहला जॉब नहीं था, बट आई गॉट पेड फॉर इट. मुझे किसी का सामान यहाँ से वहाँ करना था, मतलब पोर्टर करना था. तो उसके लिए मुझे उसको लगा कि मैं एज अ रेगुलर लिविंग करता हूँ, तो उसने मुझे एक टिप दे दी थी. तो मैंने चुपचाप रख ली, मतलब ठीक है यार, 50 रुपये मिले भाई. बट उसको अगर आप जॉब, अगर ऑफिशियल जॉब कंसिडर करें, तो मेरी फर्स्ट जॉब 2000 की सैलरी की थी. तो 2000 की सैलरी में मेरा काम होता था कि वीडियोज़ को लाइन अप करके रखना होता है. एक एडिटर का जो असिस्टेंट होता है, वो सिर्फ वीडियोस को ना लाइन अप करके रखता है कि इसके बाद ये फिर एडिटर साहब आएंगे, उसको प्रॉपर एडिट करेंगे. वो लाइनअप का काम करता था. उसके लिए मुझे 2000 मिलते थे महीने के. That's nice. First time being on set, were you nervous or excited? Very nervous. No, first time when I was on set was when I was a kid. तो एक शो आता था किस्मत करके, तो उसमें मुझे ऐसे ही लाइक सच अ क्यूट बेबी, किसका बेबी है ये सब, उसको है ना ऑडिशन करवा दो, यू नो. और मुझे कुछ नहीं पता था. बोला क्या बेटा के ये लाइन बोलनी है. बोला कि मम्मी, तो मैंने उसको कहा था ये मेरी मम्मी नहीं है, मैं वहाँ देख के बोलूँगा, मेरी मम्मी वहाँ है. तो वो मेरा था. तो आई वॉज वेरी बिंदास. व्हेन आई टुक अप एक्टिंग सीरियसली, जो पहला ऑडिशन दिया, तो मैं बहुत नर्वस था. इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी जो हार्ट बीट थी ना, मुझे लग रहा था सराउंड साउंड में मुझे सुनाई दे रही थी. मैं लोगों की आवाज़ ब्लर हो गई और मुझे सिर्फ अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी. मुझे लग रहा हार्ट फेलियर होने वाला है मेरा. तो बहुत नर्वस था. दिशा पाटनी के साथ मैंने एक एड फिल्म की थी, विद माई इनिशियल एड, आई थिंक सो. तो वैसे ही माने जाए तो वो वन ऑफ द फर्स्ट थी, क्योंकि मेरी शुरुआत एडवर्टाइजमेंट से हुई थी. या दैट कुड बी वन, बट आई वोंट रिमेंबर एग्जैक्टली फर्स्ट वन कौन थी. फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, कुछ यूनिक अगर होता तो मुझे याद होता. मैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट अगर मैं याद करना चाहूँ तो आई लाइक योर स्माइल, आई थिंक दैट वॉज इट. पहला कॉम्प्लीमेंट ऐसा एज एन आर्टिस्ट मुझे ये मिला था कि आई लाइक योर स्माइल. ऑलराइट, योर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस. माय फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस, आई थिंक मैंने होस्ट किया था, एक मैगजीन के लिए होस्ट किया था. एंड तो मुझे मलाइका ने आके कहा था कि आई रियली थिंक यू आर अ वेरी गुड होस्ट. आई सेड रियली, दिस इज माय फर्स्ट टाइम. यू सेड ओह. तो ये मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, रियली और ओ. बस यही तो मेरा फर्स्ट यही था. व्हेन आई वाज होस्टिंग, इट वाज अ लॉट ऑफ फन. वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट. आई वेंट वेरी कैंडिड. तो या ऑलराइट, फर्स्ट जिम एक्सपीरियंस. फर्स्ट ड्रीम Gym. Okay. Where did you hear dream? Huh, because gym is a dream nowadays. First gym experience. मैंने CrossFit चालू किया था, तो मैंने ना मैं बोला कि मैं जिम करूँगा, मैं शरीर में सब कुछ करूँगा. तो मैंने, और मैं बहुत लेजी वैसे हूँ, मतलब अगर मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग या गाइडेंस नहीं मिला है, तो मैं कहीं ना कहीं इतना वो खुद जाके डंबल्स नहीं उठाने वालों में से. मुझे कुछ एक चैलेंजिंग चीज़ करना पसंद है, कुछ एक एक्टिविटी करना पसंद है, रादर देन जस्ट पिकिंग एंड लिफ्टिंग वेट्स. क्रॉसफिट जब चालू किया था, उसका एक्सपीरियंस मुझे 3 दिन बाद हुआ था, जब मैं बेड से उठा और मैं अपने पाँव ढूंढ रहा था कि किधर गए भाई. ओ इधर ही. सो इट वाज लाइक दैट. ऑलराइट, फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस, व्हाट यू मेड एंड वाज इट डिजास्टर और बेस्ट. नहीं नहीं, बहुत सिंपल. मैंने एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया था. मुझे चैलेंज किया था घर पे के कुछ बना के लेके आया. मैं अंडे बॉईल करके लेके आ गया था. When was the first time when you felt like a celebrity? When was the first time I felt like a celebrity? I don't feel like a celebrity. Yeah, I'm a normal guy. You know, I'm. ये सब celebrity और status और क्यों और ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ आती. मैं बस जो हूँ, मैं करणवीर हूँ. This is the way I am. Your first fan moment. My first fan moment, my biggest fan moment, मैं ये बता सकता हूँ. First fan moment तो शायद याद नहीं होगी. ज़िद रिलीज़ हुई थी और मैं सिर्फ मैं गेटी गैलेक्सी गया था मुंबई में, तो वहाँ देखने, जस्ट टू गेट अ ऑडियंस रिएक्शन, यू नो. आई वाज वेरी एक्साइटेड. तो मैंने सुना था कि अगर गेटी गैलेक्सी में, अगर आपकी या चंदन और ऐसे टॉकीज़ में आपकी
फिल्म अगर चल गई और फुल हाउस हो गई तो उसकी एक फीलिंग अलग होती है, यू शुड नॉट मिस दैट एक्सपीरियंस। तो मुझे याद है मुझे वहाँ भेजा गया था, मैं गया और मैं बोला चलो यार लोगों को देख के क्या खुशी होती है, और मैं बहुत खुश था, लोग है ना गाना गा रहे थे साथ में, और दैट फीलिंग वॉज सरियल और फुल, मतलब जहाँ जहाँ हमें लगता था कि ये यहाँ पे रिएक्शन होने चाहिए वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं, तो वैसे वैसे आ रहे थे, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मुझे लगा ये मेरी हाईलाइटेड मोमेंट थी, बट देन जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ अपने लकली दोस्त के साथ था तो मैं वहाँ निकला एंड पीपल सर यू नो लाइक गोइंग क्रेजी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे गाड़ी से निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, गाड़ी को लेके जाने का मौका नहीं मिल रहा था, पूरा होल्ड कर दिया था उन्होंने। तो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी दैट आई रियलाइज लाइक वाओ दिस इज व्हाट ये सिनेमा करता है आपके लिए। आई बीन रिजेक्टेड वे टू ऑफन आई थिंक। जब मैंने एक्टिंग को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया था तो पहले 3 महीने तो कुछ काम ही नहीं मिला, तो रोज ही रिजेक्शन आ रहे थे। फिर मैंने बोला कि यार तू कहाँ फंस गया यार, बिकॉज मैंने मिस्टर अनुपम खेर से भी बात की थी, मैंने कहा था सर आपके एक्टिंग कोर्स से मैं निकला हूँ और सोचा था कि दुनिया बस हमारी है और यहाँ पे काम ही नहीं आ रहा है, क्या हो क्या रहा है। होता है कि सबका टाइम होता है, जब शुरू होता है तब तू एक दिन ऐसा आएगा करण जो तू बोलेगा कि मेरे पास अभी कुछ और करने के लिए वक्त नहीं है। सो आई रिमेंबर दोज वर्ड्स एंड तो स्ट्रगल तो एवरी स्टेप ऑफ द वे, अगर मैं आपको सही मायने में कहूँ ना तो आई स्टिल स्ट्रगल अलॉट यू नो टू गेट द राइट रोल, आई स्टिल स्ट्रगल अलॉट टू गेट माई कैरेक्टर राइट। तो स्ट्रगल मेरी आई थिंक एक ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ एन एक्टर है अच्छा करने की, तो वो तो हमेशा ही रहेगी। बट या फर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस आई थिंक मेरा पहली बार मैं मॉरिशियस गया था, पहली बार फ्लाइट में जब बैठा था तो मैं ना आपने कभी भी आप इमेजिन करो एक है ना आपका आपने एक पपी लिया है, पहली बार उसको आप गाड़ी में बिठा रहे हो और विंडो नीचे कर रहे हैं तो मेरी जीभ और मेरी आंखें ऐसे बाहर थी कि अच्छा एरोप्लेन में ऐसे जाते हैं, अच्छा ऐसे उड़ता है, तो इट्स अ वेरी इनोसेंट मोमेंट बट आई थिंक वॉज अ वेरी हाईलाइटेड मोमेंट फॉर मी। यू नो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे इन्जॉय करने में बड़ा मजा आता है। योर फर्स्ट क्रश? स्कूल में आई थिंक माई आर्ट टीचर वॉज माई फर्स्ट क्रश। ओके योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड? इन स्कूल ओनली, नो आई थिंक सो, हाँ नहीं आई डोंट नो बोलना चाहिए उसके नहीं यार तो मेरी भी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ऐसी थी, वो थी भी और नहीं भी थी, मतलब हम लोग है ना सिर्फ हाय हेलो करते थे, मुझे लगता था वो मेरी गर्लफ्रेंड है और आज तक मुझे वो ही लगता है, क्योंकि वो जब है ना स्कूल बदल के चली गई फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ब्रेकअप हो गया। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, यू डोंट फॉरगेट योर फर्स्ट किस, बट आई अभी उसके बारे में क्या बताना है आपको, क्या फर्स्ट किस हाउ वाज इट ये एट व्हिच एज फर्स्ट किस हाउ वाज इट करण प्लीज टेल अस डिटेल्स वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज दिस क्वेश्चन। योर फर्स्ट फोन? माय फर्स्ट फोन इट वाज अ एंबैरेसिंग फोन यू नो मैंने रियलाइजिंग किया कि मेरा पहला फ़ोन एक सीमेंस कंपनी का फ़ोन था जो मेरे बजट में आ रहा था, तो मैंने कुछ 1500 का लिया होगा, तो आई थिंक उसके बटन्स ही इतने अजीब थे कि मुझे समझ नहीं आता था उसको टेक्स्ट कैसे किया जाए, तो मैंने बोला कि सबसे सस्ता भैया ये है मुझे ये वाला दे देना, तो वो मेरा फर्स्ट फ़ोन था एंड द शेप ऑफ इट वॉज सो वियर्ड जो मैं कैमरे पर बता नहीं सकता आपको। मेहनत की कमाई की, मैंने पहली गाड़ी जो खरीदी थी वो आई थिंक होंडा से ली थी। फर्स्ट गिफ्ट I don't even remember, you know, like मैं हमेशा उनके लिए उनके एनिवर्सरी और बर्थडेज पे उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदता हूँ लाइक यू नो, बट अभी मैंने रिसेंटली अभी डैड के लिए एक लैपटॉप लिया है, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई रिमेंबर बिकॉज ही इज़ बिन स्ट्रगलिंग विद हिज ओल्ड वन एंड एवरीथिंग, तो आई जस्ट गॉट हिम एज अ गिफ्ट
फर्स्ट गिफ्ट मुझे सच में याद नहीं है. मेरा पहला गिफ्ट अगर आप वैसे जानना चाहें तो मेरी जो पहली कमाई थी 50 रुपये जो गलती से किसी ने मुझे दे दिया था, गलती नहीं मतलब उसकी मदद की थी, तो उसने बोला ये टिप रख ले यार, 50 रुपये थी, तो वो मैंने अपनी मॉम को जाके वो दे दिया था. और उसमें भी है ना आधे फूटे हुए थे, वो अलग बात है, बट उसके बारे में उस जगह पे नहीं, उस जोन में नहीं जाते. आई थिंक माई ऑल टाइम crush has definitely been Madhuri Dixit. I think she's so nice, she's so poised, she's so elegant and a wonderful actor. Okay, when was the first time when your parents said yes, like you and made it? You know, my parents they support me for the smallest of things, chahe wo mera failure ho ya to, I think wo hi aage jaake kaam mein aata hai, wo values kaam mein aati hai. तो मुझे लगता है कि जब अगर पहली बात करें तो जब मैं पास हो गया था वही बड़ा चीज. व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू फेल्ट लाइक अ सेलिब्रिटी? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक अ सेलिब्रिटी? आई डोंट फील लाइक अ सेलिब्रिटी, आई एम अ नॉर्मल गाय, यू नो. आई एम ये सब सेलिब्रिटी और स्टेटस और क्यू और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आती. मैं बस जो हूँ, मैं करणवीर हूँ, दिस इज द वे आई एम. माई फर्स्ट फैन मोमेंट, माई बिगेस्ट फैन मोमेंट मैं ये बता सकता हूँ. फर्स्ट फैन मोमेंट तो शायद याद नहीं होगी. जिद रिलीज हुई थी और मैं सिर्फ मैं गेटी गैलेक्सी गया था मुंबई में, तो वहाँ देखने जस्ट टू गेट अ ऑडियंस रिएक्शन, यू नो. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. तो मैंने सुना था कि अगर गेटी गैलेक्सी में अगर आपकी या चंदन और ऐसे टॉकीज में आपकी फिल्म अगर चल गई और फुल हाउस हो गई तो उसकी एक फीलिंग अलग होती है, यू शुड नॉट मिस दैट एक्सपीरियंस. तो मुझे याद है मुझे वहाँ भेजा गया था, मैं गया और मैं बोला चलो यार लोगों को देख के क्या खुशी होती है, और मैं बहुत खुश था. लोग है ना गाना गा रहे थे साथ में और दैट फीलिंग वाज सरियल और फुल, मतलब जहाँ जहाँ हमें लगता था कि ये यहाँ पे रिएक्शन होने चाहिए वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं, तो वैसे वैसे आ रहे थे. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मुझे लगा ये मेरी हाईलाइटेड मोमेंट थी. बट देन जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ अपने लकली दोस्त के साथ था तो मैं वहाँ निकला एंड पीपल सर यू नो लाइक गोइंग क्रेजी. एक ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे गाड़ी से निकलने का मौका